शुगर के द्वारा अपने क्वार्टर फोर के जो आंकड़े हैं वो पब्लिश कर दिए गए हैं। तो चलिए फटाफट से देखते भी क्वार्टर फोर के आंकड़े कैसे आए हैं और साथ में क्या कुछ कंपनी द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। तो चलो पहले इसके आंकड़े देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को लेकर, ऑल फिगर इन रुपीज मिलियन में दे रखी है, लेकिन मैं आपको जो ना अभी करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। यहाँ पर आपको जो ना अभी ईयर एंडेड और यहाँ पर आपको जो ना अभी थ्री मंथ यानी क्वार्टर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू की, तो अब की बार आप देखो जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है तकरीबन 2317 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे 2563 करोड़ का था। तो प्रीवियस क्वार्टर से आपको इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो वहां पर आप लोग देखोगे 9106 करोड़ की रही है इस साल, जबकि प्रीवियस में 6501 करोड़ की। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको जरा भी इनकम में जंप आते नजर आए, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देखोगे इनकम टूटी है। अगर बात करें एक्सपेंसिस को लेकर यानी टोटल खर्चे, तो टोटल खर्चे जो आपकी बार हमें देखने को मिल रहे हैं 2319 करोड़ के, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 2548 करोड़ के थे। तो प्रीवियस क्वार्टर से आप देखोगे इसके एक्सपेंस भी कम है, ये अच्छी बात है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखोगे एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी रही है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देखोगे जो इनकम है इसका वो इसके रिवेन्यू से आप देखोगे ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसका जो एक्सपेंस उससे ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी को फिर से प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ चलिए देखते हैं। अभी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अब की बार जो प्रॉफिट हुआ है लगभग 44 करोड़ 6 लाख का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 14 करोड़ 2 लाख का प्रॉफिट था। तो प्रीवियस क्वार्टर से आप देखोगे प्रॉफिट में इजाफा। और वहीं अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो वहाँ पर हमें जो ना अभी लॉस होते हुए नजर आया। प्रीवियस ईयर से आप देखोगे लॉस में गिरावट जरूर है, ये अच्छी बात है। सॉरी जंप हमें देखने को मिला है। प्रीवियस ईयर में आप देखोगे 136 करोड़ का लॉस था, लेकिन अब की बार तो 196 करोड़ का लॉस रहा है, क्योंकि एक्सपेंसिस आप देखोगे भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी हाई देखने को मिले हैं। ठीक है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़े रिजल्ट शानदार आते नजर आए, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखोगे रिजल्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा हमें जो है फॉल देखने को मिला है, इसके लॉस में आप देखोगे इजाफा हुआ है। वहीं अगर बात करें ईपीएस की, तो आप देखोगे 20 पैसे सॉरी, और प्रीवियस में 7 पैसे था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देखोगे माइनस के 93 पैसे इसमें, और प्रीवियस ईयर में 63 पैसे माइनस में था। तो ये इसके रिजल्ट्स रहे हैं। और बात करें कुछ अनाउंसमेंट्स की, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसकी जो ये नोट्स है ना भाई, कंसोलिडेटेड नोट्स, ये डिटेल में वीडियो को पॉज करके आप लोग जो ना अभी पढ़ लेना। आई होप आपके सारे डाउट दूर होंगे स्टॉक को लेकर। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।